नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। तो आइए डालते हैं कुछ खास खबर की तरफ नजर। बरेली में जिला करनी सेना का दिल्ली में पब्लिक पैलेस पर लव जिहाद के मामले में बेरहमी से कत्ल की गई युवती के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग। शहीद पंकज अरोड़ा चौक डीडी पुरम राजेंद्र नगर बरेली पर एकत्रित करनी सेना के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर साक्षी की हत्यारे को तत्काल ही फांसी की सजा देने की मांग की है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने कहा कि आज देश भर में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनका साजिशन कत्ल किया जा रहा है। दिल्ली में हिंदू युवती साक्षी के साथ भी मुस्लिम समाज के लड़के ने उसको चाकू से गोद सार्वजनिक स्थान पर बेरहमी से हत्या कर दी। लोग तमाशाबीन बने खड़े रहे। युवती के सर पर पत्थर मारकर उसके सर के टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामलों में अनेकों हिंदू लड़कियों की बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। अपराधियों को जल्द ही सजा मिलनी चाहिए। करनी सेना के विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च कार्यक्रम में सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह के साथ सेना की महिला पदाधिकारी बीना मिश्रा, सुधा शर्मा व ब्रज मोहन सिंह सिसोदिया, सुमित राजपूत, लक्ष्मी प्रकाश मौर्य, राहुल गुप्ता, ऋषि राजपूत आदि अनेकों करनी सेना के सदस्य व पदाधिकारीगण, सनातन धर्म के लोग उपस्थित रहे। बरेली से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। दिल्ली में निर्मम तरीके से जिस तरीके से हिंदू बेटी की एक जहाजी द्वारा हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज करनी सेना का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उस बेटी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईश्वर अपने श्री चरणों में उसको जगा दे। और साथ ही साथ जो आरोपी है मुस्लिम समाज से आता है और लगातार लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, हिंदू बेटियों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और फाइव स्टार कोर्ट में तत्काल सुनवाई कर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे भारतवर्ष में करनी सेना उग्र प्रदर्शन करके अपना आक्रोश प्रकट करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन और राज्य सरकारों की होगी।